का त्योहार इसलिए मनाया जाता है ताकि अपनी रंजिश को खत्म कर जिंदगी को खुशहाल किया जाए। लेकिन इस त्योहार के दिन कई लोग अपनी पुरानी रंजिश निकालने का काम भी करते हैं। जिला यमुनानगर में एक नहीं बल्कि दो जगह रंजिश के चलते हमला किया गया। दरअसल यमुनानगर के थाना सदर के बाड़ी माजरा में एक फैक्ट्री के गेट कीपर की हत्या कर दी। होली का दिन था और कुछ लोग फैक्ट्री के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही गेट कीपर ने इन्हें अंदर जाने से रोका तो लोगों ने हमला कर दिया। गेट कीपर के सर पर भारी भरकम पत्थर से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उस फैक्ट्री में गार्ड का ड्यूटी कर रहा था। गार्ड को ड्यूटी करते हुए कल होली का दिन था, वो गार्ड में था। अगर कोई नेट वूट में आया होगा, गेट वूट खोलो, नहीं खोला होगा, इसी चक्कर में उसको साथ हवाई पाई करते उसको कोई पत्थर मार दिया। पत्थर मारने के बाद जो है वो मर गया है। तो हम लोग को अभी अभी पता लगा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं हॉस्पिटल में। कितने लोग थे जी? वो लोग वो हमको पता नहीं है, जो बात हकीकत है वो हमको पता नहीं था। लेकिन वो किस तरह से मारा? पत्थर से मारा पूरा। ये जो है ना, ये पूरा फोड़ दिया है। जो बाटी माजरा है और उसमें गदुल्ली का माजरा मोड़ पर एक नौजवान व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। तो उसी सूचना के आधार पर हमारी जो ERB और फिर SHO मोबाइल, हम लोग सभी थाना से वहां पर गए थे। थाने पर जाने के बाद पता चला कि उसकी जो पहचान हुई थी, मृत की पहचान राहुल के रूप में हुई थी। राहुल है ये, राहुल सुनो शुभ नारायण चौकीदार का काम करता था और कल छुट्टी होने के कारण सारी लेबर जो छुट्टी पर थी। और अभी तक यही पता चला कि दिन में इनका आपस में किसी के साथ झगड़ा हुआ है और उस झगड़े में ही मारपिटाई होने के कारण पत्थर मारकर इसकी हत्या की गई है, जिसके बारे में पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी तक इसमें किसी की कोई पहचान हुई नहीं है और इसके परिवार वाले हैं, उनको सूचना दी गई है, वो आ रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई। रंजिश के चलते एक तरफ जहां गेटकीपर को मौत के घाट उतार दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कस्बा साडौरा में एक युवक पर रंग डालने के दौरान तेजाब से हमला किया गया। ये युवक अपनी बाइक पर सवार होकर होली खेल रहा था, तभी एक दूसरे मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार होकर आए और बाइक रोकते ही उस पर रंग लगाने के दौरान तेजाब फेंक दिया। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उस युवक के पड़ोसी ने ही किया है। इस हमले में युवक की गर्दन काफी हद तक झुलस गई है। इसके बाद उसे आनन फानन में सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। घर गए, फिर घर से मैं बाजार में गया था अपने दोस्तों के साथ बाइक पे, तो रास्ते में हमें वो तीन लड़के मिले, तो उन्होंने हमारे पीछे बाइक लगा ली। फिर मतलब थोड़ी देर बाद वो मोटरसाइकिल रोक की उन्होंने हमारी, और रोक के फिर मतलब वो रंग डब्बी ले रहे थे पीले रंग की एसिड की, वो गिरने लगे, तो मैंने हाथ रख लिया अपना मुँह पर, तो एक बंदे ने उतर के मतलब मोटरसाइकिल से ही पीछे से हाथ पकड़ लिया मेरे, और दूसरे ने डब्बी खोल के मेरे ऊपर गिर दी सारी की सारी। बहरहाल दोनों ही घटनाओं के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।